हाँ जी, की हाल चाल। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ खास पीओपी के साथ, जो बनने के बाद होगा आपके बच्चों के दिल के बहुत पास। इसके लिए हम 250 ग्राम पीओपी ले लेंगे, जिसके अंदर हम एक कप के बराबर पानी को मिक्स करेंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि जो घोल आएगा पीओपी का, उसकी कंसिस्टेंसी जैसे हम पकौड़े बनाते हुए बेसन की रखते हैं वैसी हो। इस घोल को हम बोतल की मदद से गुब्बारे के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि हमारे को एक प्रॉपर गेंद की शक्ल मिल सके। इसका आइडिया हमें कल आया जब हम जम्मू के जायको का लुफ्त उठा रहे थे। तभी मेरी नज़र पास की दुकान में रखी टेबल लैंप पर पड़ी। मुंह से निकला वाव, रेट देखा तो निकला हाउ। एक पीओपी के गोले की कीमत 15,000। तभी दिमाग में आया इसको 1500 में बनाते हैं। 1500 चलो ज़्यादा हो गया, इसको हम 150 रुपये से भी कम में अपने घर पे बनाते हैं। चलिए, इसको हमने तब तक गुब्बारे में भर लिया था, इसको हम तकरीबन 3 से 4 घंटे छोड़ेंगे। अब गुब्बारे को काट लेंगे, इसके ऊपर ग्लास या किसी भी गोल चीज़ को रख के हम आकृति देंगे, ताकि जिसमें से हमारा बल्ब निकल सके। अब हमने इसको काट लिया है। आप चाहें आगे तो मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, वरना एक नॉर्मल कटर का भी आप यूज़ करके इसमें स्टार या फिर अलग अलग तरह की आकृतियाँ बना सकते हैं। हमने इसमें स्टार और डॉट की आकृति रखी है, आप चाहें तो कैसी भी इसमें बना सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखें कि जो भी आप चीज़ बनाएं, जो बड़ी चीज़ें हों वो कम हों, और जो छोटे वाली चीज़ें हों वो थोड़ी सी ज़्यादा हों। इससे जो लाइट है वो काफ़ी अच्छी निकल के आएगी, और मशीन का या ब्लेड का यूज़ करते हुए थोड़ा सा सावधान रहें। अब मैंने सारे स्टार काट लिए हैं इसमें। अब इसके बाद बारी आती है इसमें छोटे छोटे छेद बनाने की, जिससे लाइट तारों की तरह निकले। मतलब जैसे हम आसमान में तारे देखते हैं कि छोटे छोटे काफ़ी सारे और बीच में एक चंदा, तो उसी तरीके से हमने इसमें ड्रिल की मदद से छोटे छोटे छेद बना लिए। आप चाहें तो ड्रिल ना यूज़ करके आप कोई भी पैनी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और जितनी भी हम चीज़ें बनाएंगे उसको थोड़ा थोड़ा दूर रखें, ताकि सारी चीज़ें आसपास ना हो। अब हम जिस पे ये गोला रखेंगे पीओपी वाला, उसके लिए हम उसका बेस तैयार करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 200 ग्राम पीओपी। उसके अंदर हम तकरीबन 150 ग्राम के करीब पानी को मिक्स करेंगे। इसका मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा आएगा जो हमने पहले यूज़ किया था, और इसको हम किसी भी गोल सांचे में इसको भर देंगे। आप चाहें तो इसमें फेविकोल भी यूज़ कर सकते हैं, वो फेविकोल यूज़ करना ऑप्शनल है। फेविकोल से थोड़ी सी मजबूती आ जाती है किसी भी चीज़ में। अब हमने इसको सांचे के अंदर भर लिया है, और ये सांचा बेसिकली हमारे पास जो लाइट होती है उसका बचा हुआ प्लास्टिक का फ्रेम था, जिसको हमने सांचे की तरह यूज़ कर रहे हैं। जब तक ये हम लैंप को तैयार कर रहे हैं, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। हम आपके लिए रोज़ नई नई चीज़ें बना के लाते हैं, ताकि आप अपने घर को अलग अलग चीज़ों से डेकोरेट कर सकें। तो इसी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब है। एक सेकंड चलो।